हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतने सालों के बाद तुम सब से मिलने के बाद मैं कितना खुश हूँ यार। कॉलेज का वो एक एक पल मेरी आंखों के सामने आ रहा है जो एक याद बनकर मेरे दिल में कैद था यार। क्या बात है, क्या दिन थे यार वो कॉलेज के। कॉलेज की क्लासेस बंक करनी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, और हाँ वो कॉलेज की कैंटीन में तबले बजाना और सॉन्ग्स गाने यार। अमेजिंग। और हाँ वो मिसेस कुमार के लेक्चर्स। बाकी यार क्या दिन थे वो, देखते देखते कब गुजर गए पता ही नहीं चला, मानो कल की बात हो। हाँ यार, हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि महीनों महीने एक दूसरे को कॉल तक नहीं करते। हाँ यार सच में। लेकिन तूने व्यस्त होकर क्या गुल खिला होता मैं दिख रहा है। इतना आलीशान घर जो बना लिया है तूने। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होगा, इसके बाद हम लोग कम से कम महीने में एक बार जरूर मिलेंगे। तो इसी बात पे हो जाए। अरे हाँ यार ये सब तो ठीक है, बट वो ताने और सुमन कहाँ है यार। हाँ यार लड़कियाँ कहाँ है। वो आ गई। और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में आजकल। बस कट रहा है। बड़ी जल्दी आ रही है। ड्यूटी नहीं दे रही है क्या। हाय कहाँ रह गई थी तुम इतना लेट। बैठो बैठो बैठो। आइए 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 मैडम। बैठो बैठो। आ गए आप लोग। मुझे तो लगा पार्टी खत्म होने के बाद आएंगे आप लोग सूर्या तुम और तुम्हारे पीजेस। मजा आ गया यार, कम ऑन यार। अच्छा हम लोगों ने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे वो प्लानचेट। प्लानचेट? वो भूतों वाला खेल। करेक्ट। नहीं नहीं मैं कोई प्लानचेट वैनचेट वगैरह नहीं खेलूंगी। घबरा क्यों रही हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम लोग भी है ना, इसमें डरने वाली क्या बात है। चल ना सुमन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है लेकिन एक बात याद रख लो, अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं आत्मा से कह दूंगी कि मेरा नहीं इन लोगों का गला पकड़े। चलो, हाँ, चलो, 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 चलो। हमारे आसपास जो कोई भी आत्मा है वो यहाँ है, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमारे आसपास जो कोई भी आत्मा है वो यहाँ है, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। अरे लगता है आत्मा आ गई। हाँ लग तो रहा है। पहला सवाल मैं पूछूं? हाँ तुम पूछो। आत्मा जी धन्यवाद जो आप हमारे बुलावे पे यहाँ आई। क्या मैं जान सकती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मेरी शादी होगी? अरे वाह बहुत जल्दी होगी। लगता है अगले महीने से ही तुम्हारी शादी की शॉपिंग करनी पड़ेगी। चल अब तू पूछ। मैं हाँ पूछो पूछो। आत्मा जी क्या मेरा इंटीरियर डिजाइनर बनने का सपना पूरा होगा? नो क्यों नहीं होगा, मैं इतनी मेहनत जो कर रही हूँ मेरा सपना फिर पूरा क्यों नहीं होगा? अरे तुम ट्राई करना, हो सकता है हो जाए। नहीं मुझे नहीं खेलना ये गेम, इस आत्मा को कुछ नहीं आता, सारे जवाब गलत दे रही है। सुमन ऐसा नहीं करते, आत्मा जी नाराज हो जाएंगी। हाँ प्लीज बैठ जाओ यार। बैठ जाओ बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ।
ओह नो, लगता है आत्मा सच में नाराज हो गई। अरे बंद करो ये प्लैंचेट प्लैंचेट, पूरी पार्टी का मूड खराब हो गया। आत्मा जी, आप जहां से भी आई हो वापस चले जाइए। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो सॉरी। एक्सक्यूज मी गाइस, हेलो दोस्तों, मैं अभी आया। अरे यार, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी। कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट है भी या नहीं? हाँ, अनिल शायद स्नैक्स लेने गया है। गाइस, मैं अभी आता हूँ, एक कॉल आया है। ठीक है, ऐसे कैसे यार? अरे यार, यहाँ नेटवर्क बहुत कम है, मैं अभी आया कॉल करके। ओके, मैं फोन करता हूँ। अरे ये अनिल कहाँ गया? पता नहीं। पता नहीं, तो चलो पता करते, चलो कम ऑन। चलो मोहित। उठ यार, क्या मजाक कर रहा है यार? गौतम, ए उठना। नहीं यार, ये सच में बेहोश है, इसकी तो नब्ज भी धीमी चल रही है। ये भी सही में बेहोश है यार। जाओ पकड़ लेगा, जल्दी जल्दी जाओ। हाँ। ए मोहित, मोहित उठना यार। ये लो। लो। ए भाई, ए मोहित, ए मोहित। यार। ए गौतम, ए भाई उठना। ए। यार तुम अनिल को देखो यार, मैं इनको ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल। ठीक है, ध्यान रख अपना। अनिल, 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 अनिल। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? अनिल, 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 अनिल। ये देखो काबिल, सीधे सर पे वार किया अनिल के, यहाँ पीछे की तरफ। इतना सारा खून सब यहीं से बह रहा है। सर, मगर दोस्तों की पार्टी में कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई बाहर वाला भी हो सकता है, या फिर इन दोस्तों में से कोई है जो उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, पार्टी चल रही थी, तभी अनिल ने कहा कि मैं अभी आता हूँ, और उसके बाद मोहित और गौतम भी बाहर फोन पे बात करने चले गए। काफी देर तक वो वापस नहीं आए, तो हम उन्हें ढूंढने चले गए। ये बेहोश पड़े थे, मतलब कोई और भी था कमरे में? नहीं सर, और कोई नहीं था वहाँ। कमरे में कोई था या नहीं वो हम पता कर लेंगे। अब आगे बताइए क्या हुआ? ध्रुव उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल चला गया, और हम अनिल को ढूंढते हुए इधर आ गए, और हमने देखा कि अनिल की लाश। आप लोगों को किसी पे शक है? कौन कर सकता है? जरूर जरूर, ये उस आत्मा का काम है। आत्मा? हाँ सर, कुछ देर पहले हम लोग प्लानचेट कर रहे थे, उसमें मैंने उस आत्मा को काफी भला बुरा बोल दिया। शायद वो आत्मा हमसे अपने अपमान का बदला ले रही है। ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको आत्मा से माफी मांगनी पड़ेगी। ये क्या बचकानी बातें कर रहे हैं आप लोग? कोई आत्मा आत्मा नहीं होता। अनिल की मौत उसके सर पे लगे इस चोट की वजह से हुई है, और ये किसी इंसान ने किया है, आत्मा ने नहीं। सर, सर मैंने पूरा घर अच्छी तरह चेक कर लिया, अनिल के सर पे जिस हथियार से वार किया गया वो हथियार कहीं नहीं मिला। हो सकता है खूनी हथियार अपने साथ ले गया, या फिर अगर खूनी कोई अंदर वाला है तो घर में कहीं जरूर छुपा के रखा होगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गौतम और मोहित ने मिलकर अनिल की जान ली और फिर खुद बेहोशी का नाटक किया ताकि कोई भी उन पे शक ना करे? सर, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे सर? वो लोग तो अच्छे दोस्त हैं सर। जिंदगी में कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त बहुत बुरे दुश्मन बन जाते हैं। जहां तक हमें पता है ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, क्या पता है आपको?
किसी पे शक है? क्या नाम है उसका? जी नहीं सर, अनिल की जिंदगी में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें कुछ भी अंदाजा नहीं था सर। हम दोस्तों काफी दिनों के बाद एक साथ मिले थे बस, और ये सब हो गया आज। हमें क्या पता था कि हमारी रियूनियन की पार्टी अनिल की जान ले लेगी। चलो मान लेते हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं, मगर मोहित और गौतम उन लोगों ने जरूर कुछ देखा होगा। किस हॉस्पिटल में लेके गए उसे? सर वो एक्सक्यूज मी, ये मोहित और गौतम, ये दोनों मरीज कौन से वार्ड में है? जी वही मोहित और गौतम जो 2 घंटे पहले यहाँ पे भर्ती हुए थे। जी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप सब उनके दोस्त हैं? CID से। आपके सवाल खत्म हो गए हो तो हमारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। सॉरी सर, सर वो दोनों यहाँ पे भर्ती जरूर हुए थे लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। या नहीं है तो फिर कहाँ चला गया? सर मोहित तो बहुत पहले यहाँ से डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन सर गौतम जी बहुत ही अजीब थे सर। अजीब था मतलब? मैं बताता हूँ सर, गौतम काफी डरा और सहमा हुआ था, वो खुद ही से बातें भी करता था और उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। खुद से बातें कर रहा था? क्या बातें कर रहा था, कुछ याद? बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था कि वापिस आ गई वापिस आ गई। चलो वो आ गई है, ये क्या हुआ? वो आ गई है, किसको बोल रहा है? वो आ गई है। कौन वापस आ गई? पता नहीं सर, शायद उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। हमारी नर्स को देखकर इतना डर गया कि अजीब सी हरकतें करने लगा और यहाँ पे लड़ाई करके भाग भी गया। क्या? वो हॉस्पिटल से भाग गया? भाग कैसे गया? हॉस्पिटल में इतने सारे लोग थे, रोका क्यों नहीं उसे? कैसे रुकते सर, हाथापाई कर रहा था वो। अगर आप भी देखते उसकी हालत ना, तो आपको समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूँ। वो आ गई है, वो आ गई है, नर्स नर्स, वो आ गई है, वो आ गई है, अरे वो आ गई है, किधर जा रहा है? वो आ गई है। उस वक्त ड्यूटी पे नर्स कौन थी? शेफाली। शेफाली से मिलना चाहते हैं। सर हॉस्पिटल का स्टाफ बता रहा था कि मोहित बहुत सहमा हुआ था। सचिन जरूर होटल में कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से दोनों घबराए हुए थे। सर लगता है घर में कोई नहीं है। दबाओ जरा, फिर से दबाओ भाई। आप लोग? मैम हम लोग CID से हैं। CID? जी मैं ACB प्रद्युमन। प्लीज आइए। देखिए वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम मोहित से मिलने आए हैं। से आप मोहित की? मैं मोहित की माँ हूँ, सुलक्षणा। माँ जी आप प्लीज मोहित को बुलाएंगे? आप शाम को आ सकते हैं, वो अभी सो रहा है। क्या आप ये बता सकती हैं कि वो घर कब लौटा था? बस थोड़ी ही देर पहले, काफी थका हुआ लग रहा था इसीलिए मैं उसे नींद से जगाना नहीं चाहती। जी कोई बात नहीं, मगर क्या आप जानती है वो गया कहाँ था रात को? मेरा मतलब है कहाँ से आया होगा कुछ? जी नहीं, मैंने पूछा नहीं उसे। लेकिन बात यह है सुलक्षणा जी कि हम एक केस में उलझे हुए हैं और इसीलिए हमें मोहित से मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको एतराज न हो तो हम। ठीक है आइए। चलिए। तो थोड़ा सा खोली है सर, लगता है गहरी नींद में है वो। सुलक्षणा जी अगर आपको इतराज न हो तो हम अपनी तरह से दरवाजा खोल लें। जी हाँ बिल्कुल खोल दीजिए। सचिन दरवाजा खोल। माय गॉड संभालिए अपने आप को। सर ये केस तो दलदल में धंसता ही चला जा रहा है सर। पहले अनिल की मौत, उसके बाद गौतम का इस तरह से हॉस्पिटल से भाग जाना, और अब ये मोहित की आत्महत्या, वो भी इस तरह से। ये तीनों बातें एक दूसरे से संबंधित है सचिन।
पर एक बात खटक रही है, मोहित का यहाँ ऐसे अंदर हो जाना और बाहर कोई भी सुनाई नहीं पड़ा, ये कैसे हो सकता है? सुलक्षणा जी शांत हो जाइए, आपका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन देखिए दरअसल बात यह है कि मोहित के साथ और एक जान भी चली गई है, और भी कई लोग हैं जिनकी जान को खतरा है, इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देंगे? प्लीज। ठीक है, पूछिए। एक बात बताइए सुलक्षणा जी, यहाँ इस कमरे में, मेरा मतलब है मोहित के साथ जब ये हुआ तो आपको बाहर कोई सुनाई नहीं पड़ा, कोई आवाज नहीं आई, कोई आहट? सर, उम्र के साथ साथ मेरी कानों के सुनने की शक्ति भी पहले जैसी नहीं रही, और दरवाजे की घंटी भी सुनने के लिए मेरे मोहित ने मेरे रूम में स्पीकर लगवाया है। सुलक्षणा जी, क्या हाल ही में मोहित को कोई परेशानी थी जिसकी वजह से? नहीं, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं थी। क्या कोई हादसा हुआ था उसकी जिंदगी में या आप लोगों के साथ? नहीं, उसके साथ तो नहीं, पर हाँ, दो हफ्ते पहले हमारे वहाँ चोरी हुई थी। घर में चोरी हुई थी? जी, और चोर मेरे सारे गहने ले गए। तो आपने चोरी की रिपोर्ट तो दर्ज करवाई होगी ना पुलिस स्टेशन में? जी करवाई, पर पुलिस अब तक कुछ भी नहीं कर पाई। सर, मोहित की आत्महत्या का चोरी के साथ कुछ संबंध हो सकता है क्या? सर यह सफाली। क्या हुआ हरीश, कौन है ये लोग? हम लोग सीआईडी से हैं, गौतम नाम के मरीज के बारे में कुछ जानने आए। ओ, वही गौतम जो आज हॉस्पिटल से भाग गए थे? जी हाँ, वही गौतम, हमने सुना है आपको देखकर भाग गया वो यहाँ से। नहीं, मैं तो वहाँ पे थी भी नहीं। क्यों झूठ बोल रही है शिफाली, रजिस्टर में लिखा है उस वक्त तुम्हारी ड्यूटी थी। हरीश, ये बात और है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे सीआईडी के केस में फंसा दो। पूरी दुनिया के मन बताओ कि तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया है, ये हमारे प्यार का नहीं, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन का मामला है। सर, ये बात सच है कि मेरी ड्यूटी आज गौतम के ही वार्ड में लगी थी, पर मैं ड्यूटी पे जा ही नहीं पाई क्योंकि किसी ने मेरी यूनिफॉर्म गायब कर दी थी। क्या, किसने? ये तो पता नहीं, मैंने हर जगह पे यूनिफॉर्म ढूंढी और फिर आधे घंटे बाद पता नहीं अचानक यूनिफॉर्म मेरे लॉकर में आ गई, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यूनिफॉर्म पहनी है। आप ये कह रही हैं कि आपकी यूनिफॉर्म किसी और लड़की ने चुराई और उस यूनिफॉर्म को पहनकर वो गौतम के कमरे में गई, जिसे देखकर गौतम डर गया और इतना डर गया कि ये हॉस्पिटल छोड़कर भाग गया। हाँ, ऐसा ही हुआ है। गौतम के कमरे में उस वक्त कोई वार्ड बॉय नहीं था जिसने उस नर्स का चेहरा देखा? नहीं सर, वो लोग रिसेप्शन पर बोलकर चले गए थे कि किसी नर्स को भेज देना। अब सवाल ये उठता है कि ये काम हॉस्पिटल के किसी दूसरी नर्स का है या फिर बाहर के किसी लड़की का? सर, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो गया? मोहित सीधा हॉस्पिटल से अपने घर आया और अपने कमरे में आते ही अपनी जान दे दी, और मरने से पहले एक भी सुसाइड नोट तक नहीं छोड़ा। सचिन, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है होटल में या हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से मोहित ने अपने साथ ये करवा लिया। सर, ये देखिए, ये मुझे उस कबर्ड में मिला। दिखाओ सर। मैम, सुलक्षणा जी जरा देखिए इन गहनों को। ये तो वही गहने जो चोरी हुए थे, पर ये मोहित के कबट में कैसे आए? अजी, आपको सुन के जरूर धक्का लगेगा, लेकिन शायद ये गहने अपने घर से मोहित ने चुराए। बस एक शब्द और मत कहिएगा, अपने मरे हुए बेटे का ऐसा अपमान मैं कभी भी सह नहीं सकूंगी। सुलक्षणा जी, एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, ये चोरी के गहने मोहित के कबर में कैसे आ गए? मान लिया कि उसे मिल गए ये गहने, तो फिर उसने आपको लौटाए क्यों नहीं, क्यों छुपा के रखते? सर, हाँ, पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। मैम, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए,
इसमें सारे गहने हैं या नहीं। नहीं, सारे नहीं है, आधे तो गायब है इसमें से। हो सकता है मोहित ने आधे गहने कहीं और छुपा के रखे हो या फिर बेच भी दिए। पर वो ऐसा क्यों करेगा? अचानक उसे पैसों की जरूरत पड़ी होगी या फिर वो किसी के पैसे देना लगता था। पर किसको? किसको? गौतम। सर, गौतम का दोस्त बता रहा था कि गौतम 2 साल पहले यहाँ मुंबई में शिफ्ट हुआ है और उसके यहाँ पे ज्यादा दोस्त नहीं है। और सर, उसने अपने दोस्त को कभी घर में इनवाइट भी नहीं किया। अच्छा, वैसे 2 साल तो बहुत होते हैं नए दोस्त बनाने के लिए। अरे सर, मैं तो यही सोच के बार बार हैरान हो रहा हूँ कि गौतम और मोहित ने पार्टी में ऐसा क्या देख लिया जिससे मोहित ने आत्महत्या कर ली और गौतम जो है वो अस्पताल से भाग गया। कहीं उसने आत्मा तो नहीं देख ली? सब सुनाई दे रहा है मुझे, आत्मा है? गौतम ने कमरे में क्या देखा था वही बताएगा। लगता है वो हॉस्पिटल से भागा जरूर है लेकिन घर नहीं आया। घर नहीं आया तो फिर कहाँ गया? कहाँ गया है? इसका जवाब तो अब घर के अंदर से पता चलेगा। कोना कोना छान मारो घर का। सर, मैं यहां देखता हूं। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? सिर क्यों हिला रहा है? क्या मिला मुंह में? क्या? केला था सर। भूखा कहीं का, काम नहीं करने का, इसीलिए किचन में घुसा था तू? हाँ, सर। हाँ बेट, अलमारी में से ये मिला। गौतम और उसके दोस्तों की फोटो है ना? हाँ सर, सारे दोस्तों की फोटो है इसमें। अनिल, मोहित, सूर्या, तानिया, सुमन, ध्रुव और ये खुद गौतम। ये लड़की कौन है? ये तो पार्टी में नहीं थी ना? नहीं सर, ये पार्टी में नहीं थी। 23 दिसंबर 2013 को खींची गई ये फोटो। सर, इस फोटो में 2 जनों की मौत हो चुकी है सर, मतलब बाकियों की जान को भी खतरा है। सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये अनजान लड़की कौन है। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। दवाई टाइम पे ले रही हो ना आप? ठीक है, यहाँ खाना अच्छा मिलता है पीजी में। माँ, लगता है कोई आया है, मैं आपको कॉल करती हूँ। कौन? अरे गौतम, आसपास ही हो तुम इस वक्त यहाँ? ये क्या कर रहे हो गौतम? रुक जाओ गौतम, ये क्या कर रहे हो तुम? वरना मैं मदद के लिए चीखूंगी। ये मेरा सामान क्यों बिखेर रहे हो? किस क्या बड़बड़ाएगा? मदद की जरूरत पड़ी है। क्या कर रहे हो, ये सब क्यों बिखेर रहे हो मेरा सामान? हटो। क्या कर रहे हो? बस ये क्या कर रहे हो तुम? बस बस। देखिए ना सर, मैं कब से समझा रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। थक गया हूँ मैं अपनी जिंदगी से, अपनी इस नौकरी से, तुम लोगों के रोज रोज के तानों से मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। मैं कितनी भी मेहनत करूँ तुम लोगों को कभी खुशी नहीं होती है। मैं जा रहा हूँ बस। ये क्या नाटक है सड़ के, उतर जा। रोक ला मैं तुझे, मैं जा रहा हूँ, अलविदा। सर, सर प्लीज। ऊपर पहुँचने के बाद खत भेज देना। खत भेजूं मैं?
खत क्यों भेजूंगा भैया है? मैं तुमसे बात करूंगा ऐसे सामने? पागल हो गए क्या? क्या बता रहा है तू? बता क्या नाटक है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस मोहित ने आत्महत्या नहीं की है, इसका खून हुआ है। खून? खून? पर सर मोहित तो अपने कमरे में हमें पंखे से लटका हुआ मिला था, तो फिर? लेकिन बॉस, खूनी ने पहले मोहित को मारा और फिर उसकी लाश को पंखे से ले जा करके लटका। और फिर मारा कैसे होगा? मारा उसे गला घोट करके ही। मैं समझाता हूँ, देखो, अगर कोई इंसान फांसी पर लटकता है तो ये रस्सी ऊपर की तरफ खींचती है, और रस्सी ऊपर की तरफ खींचती है तो उसकी गर्दन की ये दोनों हड्डियां टूट जाती है और निशान आता है यहां ऊपर की तरफ। राइट राइट। अब जरा मोहित की गर्दन को देखो। ये देखो बॉस, मोहित की गर्दन पे ये निशान एकदम बीचों बीच है, एकदम सीधा। सर इसका मतलब मोहित की जान ली किसी ने गला दबा के और फिर इसे पंखे से लटका दिया ताकि हम सबको लगे कि ये आत्महत्या थी। एग्जैक्टली। लेकिन सर लाश को ऊपर लटकाना आसान नहीं होता। जिसने भी ये किया है श्रेया, या तो कोई हट्टा कट्टा इंसान था या फिर एक नहीं दो तीन जन तो होंगे। और सर कोई मोहित के घर में घुसा तो मोहित की मां को पता कैसे नहीं चला? जिसने भी ये किया है बड़ी अच्छी प्लानिंग करके किया है, देखना पड़ेगा। तो कौन कर सकता है मोहित का खून? पहले उसका खून किया और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। कोई तो है ना सचिन, कोई तो है। लेकिन ये जो भी कोई है ना, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़कर गया होगा। कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा उसमें। लेकिन सर जिस वक्त ये मोहित सोने के लिए कमरे में आया, उस वक्त घर में सुलोचना जी और मोहित के अलावा कोई भी नहीं था। सर हो सकता है कोई बाद में आया हो। अगर बाद में आता तो श्रेया वो बेल तो बजाता ना, घंटी तो बजाता घर की, और फिर सुलक्षणा जी भी जान जाते। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब जो कोई भी घर के अंदर आया वो दरवाजे से नहीं बल्कि किसी और रास्ते से अंदर आया है। हाँ हाँ, ये क्या है? ये देखो ये पत्थर, ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा है? लगता है किसी ने घर के बाहर से पत्थर फेंका इस खिड़की पर, शायद मोहित का ध्यान खींचने के लिए, ताकि वो खिड़की खोले। और ये जो भी कोई है, लगता है मोहित का जान पहचान वाला ही कोई है। सर हाँ, घर के बाहर ये सीढ़ी मिली है। सीढ़ी घर के बाहर किसी ने फेंक दी थी क्या? नहीं, ये क्या है? लगता है किसी ने ये सीढ़ी नष्ट करने की कोशिश की है। देखो स्क्रैचेस, देखो कितने हैं इस सीढ़ी पर। जरूर इसमें कुछ न कुछ तो है। हो सकता है इसमें कोई बड़ा सुराग हो हमारे लिए। चेक करना पड़ेगा ऐसा क्या छुपा है इस सीढ़ी में। सर क्या पता चला सीढ़ी से? सर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एक्चुअली वो सीडी बहुत स्क्रैच थी, तो इसलिए कंप्यूटर डेटा निकालने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगा है। उस एक्सपर्ट से कहो हमें किसी भी हालत में उस सीडी में क्या है वो हम जानना चाहते हैं। मैंने समझा दिया सर, बहुत जल्द पूरा डेटा हमारे सामने होगा। ओके। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये गौतम आखिर चाहता क्या है? किसका पीछा कर रहा है? किसे ढूंढ रहा है? मुझे तो लगता है वो उसी आदमी को ढूंढ रहा है जो शायद उस हॉस्पिटल में आया था, क्योंकि उसे देखते ही गौतम अजीब सा बर्ताव करने लगा। सर सर गौतम के दोस्तों में ये अनजान लड़की कौन है इसका पता चल गया है। कौन है ये? सर इसका नाम रिया है, और चौंकाने वाली बात ये है कि इसकी भी मौत हो चुकी है 1 साल पहले। 1 साल पहले? रिया की मौत 1 साल पहले हो चुकी है? फिर अनिल की मौत, फिर मोहित की मौत, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो भी कोई है
इन सारे दोस्तों को एक के बाद एक खत्म करना चाहता है। इस रिया की मौत हुई कैसे? सर ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर जरूरी बात ये है कि रिया तानिया की रूममेट थी। तानिया की? ये तानिया है, ये तो पार्टी में भी मिली थी। यस सर। तानिया से मिलना पड़ेगा। अच्छा वो सूर्य तुम आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। मैं हूं ना। सर आप लोग यहाँ? सूर्य जी आप? हम तो तानिया से मिलने आए थे, जरा भी अंदाजा नहीं था कि आपसे भी मुलाकात हो जाएगी यहाँ पे। सब वो गौतम वाले हादसे के बाद तानिया बहुत घबरा गए थे, इसलिए इसे दिलासा देने यहाँ चला आया। गौतम वाला हादसा? हाँ, सीआईडी वालों को सब खुल के बताओ। सर कल दोपहर को गौतम यहाँ आया था और उसने मुझे धक्का दिया और देखो मुझे चोट लग गई। वैसे क्यों आया था गौतम यहाँ पर, क्या ढूंढ रहा था वो? पता नहीं, वो बार बार यही कह रहा था कि वो हमारे आसपास है। आसपास? आसपास कौन है? पता नहीं सर, मैंने बहुत पूछा उसे, लेकिन वो अजीब सा बर्ताव कर रहा था। कभी सामान इधर उधर फेंक रहा था, कभी बड़बड़ा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, वो फिर से आ गया तो। देखो घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मुझे तो डर लग रहा है सर, पहले रिया की मौत, फिर अनिल, फिर मोहित, और अब गौतम का मेरे साथ ऐसा बर्ताव, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। रिया? रिया की मौत कैसे हुई? सर वो रिया और मोहित एक दूसरे से प्यार करते थे सर। एक साल पहले वो लोग लोनावला गए थे, जहाँ पे बहुत ही दर्दनाक तरीके से रिया की झील में मौत हो गई सर, डूबकर। तो कहीं रिया की मौत का संबंध इन खून से तो नहीं है? सचिन संबंध है, ये रिया लोनावला चली जाती है और अचानक झील में डूबकर मर जाती है। अजम नहीं होती ये बात, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर तानिया की कलाई में चोट की वजह से काफी सूजन आ गई है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत कि गौतम तानिया को ऐसे क्यों मारेगा, वो तो उसकी दोस्त है अच्छी। सर सीडी में से सारा डेटा निकाल लिया सर। ग्रेट, चलो देखते हैं। चलो आखिरकार कितने दिनों के बाद यहाँ आ ही गए, आर यू एंजॉयिंग इट? है ना? रिया स्टॉप, रिया स्टॉप, डोंट डू दिस, आई एम टेलिंग यू, रिया स्टॉप, क्या कर रही हो? अच्छा लुक हियर, मोहित ने रिया को मारा और फिर पानी में ढकेल दिया। सर मोहित और रिया तो एक दूसरे को चाहते थे, फिर मोहित ने ऐसा क्यों किया होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? कोई ना कोई तो वजह जरूर है, क्या वजह हो सकती है? किसी ना किसी वजह से मोहित ने रिया को धक्का दे दिया, पानी में फेंक दिया और मार डाला। फिर शायद किसी ने मोहित को मार डाला होगा रिया की मौत का बदला लेने के लिए। सर मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि जिस वक्त मोहित रिया की जान ले रहा था, ये आदमी जिसने वीडियो फुटेज शूट की है उसे बचाने की बजाय वीडियो रिकॉर्डिंग में बिजी था। हो सकता है अभी मोहित को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो शूटिंग कर रहा था ये। ये तो ऐसा है, तभी तो मोहित ने अपनी माँ के गहने भी चुराए थे। हाँ, पैसों के लिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आदमी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसने एक सीडी रिया के किसी करीबी आदमी को दे दी और रिया की मौत का बदला लेने के लिए मोहित की जान ले ली गई? हो सकता है, लेकिन अभिजीत ये चक्कर कुछ और ही है। मुझे तो लगता है ये सारा चक्कर इस अनिल की मौत से जुड़ा हुआ है। हाँ सब लगता तो ऐसा ही है। हाँ अभिजीत,
ये जरूर कोई पास वाला है जो इन तीनों को जानता था, रिया, अनिल और मोहित को। सर ये गौतम ही होगा सर। हाँ, गौतम। काम करते हैं अभिजीत, इस गौतम और मोहित इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। कहाँ है वो? यही तो थी वो मेरा भ्रम था, यही मेरा भ्रम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, अपनी सुनो। जिसकी तलाश में तुम यहाँ पर आए थे वो मिले तुम्हें? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ किसकी तलाश में आया था? मैं सब जानता हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा। तो तुम ये भी जानते होंगे कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। कभी कभी वापस आ भी जाते हैं मेरे भाई। मिलना चाहोगे? नहीं। क्यों, डर गए? मैं किसी से नहीं डरता। दिखाओ, क्या दिखाओगे? ये पहन लो और चलो मेरे साथ आओ। सर, हमारा शक सही निकला, ये नंबर गौतम का ही है। पर सर, गौतम के करीबी दोस्तों और परिवार वालों के पास जो नंबर है वो तो कोई दूसरा ही नंबर है। इसका मतलब है गौतम ने ये दूसरा नंबर गलत इरादे से ही लिया है। तो सर, लोनावला में मोहित और रिया के अलावा ये गौतम भी था? तो मोहित गौतम का दोस्त था, तो मोहित के लोनावले वाले प्लान के बारे में से पूरी जानकारी होगी। बस पहुंच गया वहां, मोहित का पूरा जुर्म रिकॉर्ड किया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा दूसरे नंबर से। सर, इस गौतम का नंबर खातीपुरा एरिया में दिखा रहा है। खातीपुरा? सर, ये तो काफी सुनसान इलाका है, जरूर कोई गलत काम को अंजाम देने के लिए गया होगा ये। चलो। ये कहां ले जा रहे हो मुझे? सब्र का फल मीठा होता है, समझा? ले आया मुझे, और वो कहाँ है? नहीं, ये नहीं हो सकता। रास्ता सर, गौतम का फोन यहीं आसपास दिखा रहा है। यहाँ पे? हाँ सर। घर काफी सुनसान लगता है, अंदर चल के देखते हैं, शायद वो यहीं पे हो। ये भी मर चुकी है। और तान्या के हाथ में गन? तान्या के हाथ में गन? अब गौतम को गोली लगी? सर, इसका मतलब गौतम तान्या से मिलने आया और तान्या ने इसे गोली मार दी। देखने से तो यही लगता है। तो फिर तान्या को किसने मारा होगा? और सर, ये देखिए, तान्या की ये कलाई सूजी हुई है और सूजी हुई कलाई से गोली नहीं चलाई जा सकती। सर, इसका मतलब खूनी कोई और है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो हम सबको गुमराह कर सके। खून अभी भी ताजा है और शरीर अभी भी गर्म। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी भी गए होंगे यहाँ से। हम लोग उसे ढूंढते हैं। मैं उठ नहीं रहा। यस सर। ए, रुक, रुक जा। रुक जाने तो गोली मार दूंगा। इलाने
सब वो गौतम वाले हादसे के बाद तानिया बहुत घबरा गए थे, इसलिए इसे दिलासा देने यहाँ चला आया। सूर्या, तुम कर रहे हो ये सब? तुमने सबके जान ली हा? क्या पूछा मैंने तुमसे? या तुम जिंदा हो? हाँ, बहुत हैरानी हुई ना मुझे जिंदा देखकर। अब अच्छे बच्चों की तरह सूर्या को जाने दो, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। तू क्या भाग रहा है? हाँ, जेल की काल कोठी की सैर नहीं करोगे? हाँ? अब बताओ क्यों किया तुम दोनों ने ये सब? जल्दी बताओ। मैं बदला लेना चाहती थी, अपनी मौत का बदला। पहली बार देख रहे हैं सर, एक जिंदा इंसान अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ सूर्या के वजह से, वरना वो मोहित, वो तो अपने गलत इरादों में कामयाब हो ही गया था। सूर्या, तुम जानते थे कि मोहित रिया को मारने वाला है? जी नहीं सर, इसे संजोग कहिएगा या फिर किस्मत का खेल। जब ये जुर्म हो रहा था तब मैं वहीं पर था और रिया को मैंने किसी तरह से डूबने से बचा लिया सर। और रिया तुम, वो मोहित तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता था? क्योंकि मोहित मेरी राइवल कंपनी में काम करता था, मुझे मारकर उसकी कंपनी का मुनाफा भी बढ़ गया और क्लाइंट्स भी, उसे तो प्रमोशन भी मिल गया था। तो तुमने प्लान बनाया सूर्या के साथ मोहित को मारने का, मगर ये गौतम, अनिल और तानिया, ये तीनों इसमें कहां से आ गए? क्योंकि गौतम ने भी मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं करी, वो तो वीडियो बनाने लगा मोहित के जुर्म का ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। और इसीलिए तुमने हॉस्पिटल में नर्स के कपड़े पहनकर गौतम को डराया है ना? तू तू तू। और रहा सवाल अनिल का, उसकी तो किस्मत ही खराब थी। पार्टी वाले दिन उसने हमारे प्लान के बारे में जान लिया था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी हो गया हमें। और तानिया को तुमने जहर देके मार दिया, गन थमा दी उसके हाथ में ताकि सीआईडी को लगे कि मुजरिम वही है, क्यों? मोहित और गौतम को भी मैंने ही डराया था, उन दोनों को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी मैं। दोनों को तड़पा तड़पा के, डरा डरा के मारना चाहती थी मैं। अपना बदला पूरा करने के लिए तुमने चार लोगों के खून किए, चार। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।